Sri George Fernandez. Please. Now, please. Adyakshi. Adyakshi. जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हूँ। एक प्रार्थना मैं करना चाहूँगा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूरे सदन से कि ये सदन में बहस होनी है, मुझे अपनी बातें रखनी है, मेरी बातें काटने वाले उनकी अपनी बातों को बाद में रख सकते हैं, और हम इसलिए आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज सुबह से जब से ये बहस शुरू हुई है सदन में बहस कम हो रही है और हल्ला आपस में ज़्यादा हो रहा है, और मेरी प्रार्थना है फिर एक बार कि सदन के सभी हिस्सों को आप ये बतावें कि सदन बहस के वास्ते है और यहाँ पर बहस चले। प्रधानमंत्री जी ने ये बात ज़रूर कही कि टोकम ठोकी किसी भी बात को लेकर अगर करनी हो वो ज़रूर हो जाए, लेकिन टोकम ठोकी का मतलब हल्ला गुल्ला नहीं है, वो नहीं हो जाए। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जो परिस्थिति आज इस सदन के सामने और वैसे तो देश के सामने है, ये परिस्थिति किसी राजनीतिक दल ने बनाई हुई नहीं है। जिस दल को राष्ट्रपति ने बुलाया ना उस दल ने बनाई, ना जो दलों ने यह फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर उनकी सरकार को हम बने रहने नहीं देंगे, ना उन्होंने बनाई। यह परिस्थिति बनाई है देश के मतदाताओं ने। मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को इस सदन में बहुमत नहीं दिया, इसको मैंने यहां दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसलिए इस बहस के दरमियान उसको याद करना जरूरी मैं समझता हूं, क्योंकि बहस उन लोगों को भूल रही है और हम ही लोगों का आपस में जैसे कोई आज यहां पर वाद विवाद है और इस देश का भविष्य तय करने के लिए हम ही लोग यहां पर हैं, ऐसी कोई एक बात की बू मुझे यहां पर आ रही है सारी बहस में। अध्यक्ष जी, लोगों ने लोगों के सामने मोटा मोटी तीन खेमे गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा जो अभी संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर है, और एक कांग्रेस पार्टी। इसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत आग्रह से लोगों से कहा था कि हमें बहुमत मिलेगा। राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा उनसे भी आगे गया था कि कैसे सरकार बनेगी उनकी अपनी और कितने लोग उन्हें साथ देंगे, कितने विशाल बहुमत से यहां चुनकर आएंगे, शायद 300 का आंकड़ा उनके कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर रखा था। और फिर भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ से कुछ लोग तो यह कहने वाले जरूर रहे कि बहुमत पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में अभी यहां पर शायद श्री शरद पवार जी ने कहा कि आपने कहा था कि अगर 225 नहीं आएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए नहीं जाएंगे, यानी कल्पना थी कि हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, हम उसके नीचे रह सकते हैं। और मैं ये जानता हूं कि आम तौर पर यह बात देश में जरूर थी कि दो दलों के तरफ से या दो खेमे के तरफ से यह बात कहने में आया कि हम जा रहे हैं सरकार बनाने। लोगों ने कहा कि आप दोनों नहीं बना सकते, आपके दोनों खेमे नहीं बना सकते, और आप मिलके बनाएंगे वहां पर हम आ जाएंगे, आप दोनों को मिलाएंगे, अभी हम इंतजार ही करिए, थोड़ी सी इंतजारी करके दोनों को मिलाएंगे हम। तो अध्यक्ष डोंट इंटरप्ट काइंडली मिस्टर जॉर्ज, एड्रेस हियर, रोकेंगे तो हम जवाब देंगे। फॉर योर पार्टी ओनली 6 मिनट्स इज अलॉटेड एंड देयरफॉर काइंडली एड्रेस टू द चेयर एंड नॉट टू लुक एट दैट। हम आपसे कुछ समय और मांगेंगे प्लीज, क्योंकि ये अंततोगत्व अध्यक्ष जी, आप यहां वो बात को तय करने जा रहे हैं कि ये देश की सरकार कौन सी रहे, कौन कार्यक्रमों पर सरकार बने, कौन लोग सरकार बनावे अगले 5 साल के लिए,
ये तय करने जा रहे हैं। यहाँ मिनटों से समय मत गिनिएगा, हमारे ऊपर और देश के ऊपर इतनी मेहरबानी कर दी। अब अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति ने बुलाया, मेरे पार्टी ने राष्ट्रपति से प्रार्थना की थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाई जाए, क्योंकि अभी हमारे मित्र रामविलास पासवान जी ने यहां पर कहा कि समता पार्टी को कुछ आपने बताया था। हम तो राष्ट्रपति से कहने गए थे, हमने प्रस्ताव करके राष्ट्रपति को भेजा था कि जो स्थिति बनी है देश में, उस स्थिति में आपने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन आपने ये कहा हमसे भी नहीं पूछा, हमसे पूछने के पहले हमने कहा था कि आप बुलाइए, क्योंकि हमने देश में जो स्थिति देखी है तो उस आधार के ऊपर हमने ये बात की थी अध्यक्ष जी। और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने सही काम कर दिया, और हम भी राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोकशाही परंपराएं हमारे देश में पिछले कुछ सालों में, क्योंकि यह स्थिति 1977 के बाद की है हिंदुस्तान में, 1952 से लेकर 1977 25 साल तक हिंदुस्तान में एक पार्टी बहुमत में आती थी, 77 में उसको तोड़ा गया, 77 के बाद 89 में वो स्थिति दोबारा बनी, फिर 1991 में वही स्थिति रही, लेकिन उस समय देश का विपक्ष इस तरह से आपस में बटा हुआ था कि वो एक अल्पमती पार्टी को सरकार बनाने से रोकने में नाकामयाब रहा। वो सरकार कोई कांग्रेस पार्टी के बल पर नहीं बनी थी, वो विपक्ष के मेहरबानी से बनी हुई सरकार थी, लेकिन 1977 से यह स्थिति देश में रही है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलना, या बहुमत मिली हुई पार्टी सरकार में टूट जाना, और ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति कोई एक फैसला लेना, ये एक परंपरा देश में बनी है अध्यक्ष जी, और राष्ट्रपति ने उस परंपरा का पालन किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे माननीय सदस्य शरद पवार जी ने यहां पर कहा कि यह सब गलत हुआ, कलंक बोला, मैंने कलंकित तो आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप हो गया, लेकिन बात वहां से आगे गई जब रामविलास पासवान ने भी यह बात यहां पर बार बार कि टोकना शुरू किया कि कैसे आप गए, क्यों आप गए, तो राष्ट्रपति ने बुलाया था इसलिए गए, तो हमला एक तरह से राष्ट्रपति के फैसले पर, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलना इस सदन में संभव नहीं है, वो बात अलग, मगर हमला राष्ट्रपति के निर्णय पर है, हमला सीधे राष्ट्रपति के निर्णय पर है, कैसे नहीं कहा जा सकता। और अध्यक्ष जी, मुझे दूसरी बात यह कहनी है, कि अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना गलत था, उनको अगर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें अगर सरकार नहीं बनाना चाहिए था, तो फिर किसको बुलाना चाहिए था, यह बात आनी चाहिए, केवल यह कहकर नहीं चलेगा इस सदन में, यह गलत हुआ, आप क्यों गए, तो फिर किसको जाना चाहिए था, आपको किसको जाना चाहिए। आज के दिन 13 पार्टियों का कार्यक्रम नहीं बना करके खुद ही आप लोग कह रहे हो, आज तक आप लोगों का कार्यक्रम नहीं बना, किस आधार पर समर्थन आपको देंगे, ये अभी भी नेता विपक्ष पर, नेता विरोधी दल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस क्षण तक नहीं कह पा रहे हैं। और फिर यहां एक ही बात कहना कि गलत हुआ, कैसे गए, तो ये कोई बहस का तरीका नहीं है अध्यक्ष जी। अगर आपको इस देश की आज तक की संसदीय प्रणाली में जो परंपराएं हैं वो पसंद नहीं है,
तो फिर संविधान में संशोधन करिएगा, वही एक उपाय है। इस प्रकार का बहस में समय बर्बाद करना वो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अब अध्यक्ष एक बात यहाँ पर कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है। नो नो प्लीज डोंट अध्यक्ष अभी एक बात इट इज नॉट दैट आई विल मैनेजर नॉट इट इज नॉट योर जॉब। अब अध्यक्ष ये बात कही जा रही है कि यहां किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनने देंगे, यह सरकार को नहीं चलने देंगे। हम इस अनुभव से आए हैं अध्यक्ष, यहां नीतीश कुमार जी भी बैठे हैं, हम दोनों के बारे में बिहार में यह कहा गया था कि किसी भी कीमत पर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम यह अनुभव करके आए हैं किसी भी कीमत का। क्योंकि नेताओं का सोच एक था, बिहार के मतदाताओं का सोच कुछ दूसरा था, और मतदाताओं से नेता कितना दूर गया है तो ये इसी का सबूत है कि हम यहाँ पर खड़े हैं और नीतीश कुमार यहाँ पर खड़े हैं और किसी भी कीमत वाली बात नहीं चल पाएगी। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। वो बड़ों को बाहर से लाया सदन का काम। यस मिस्टर जॉर्ज। व्हाट इज गोइंग ऑन प्लीज। Honorable member, he's a new member. Honorable member, he should behave well. Please be seated. You please be seated. Mr. Rajesh Ranjan, please be seated. अध्यक्ष हम एक बात इसलिए। Mr. Rajesh Ranjan, you kindly be seated. Please. दांत तोड़ के पेट में ठुका देंगे ये सांसद को इस सदन में कहा जाए, ये सांसद के लिए गरिमा की बात नॉट। एनी सच वर्ड्स अटर्ड वुड बी एक्सपेंजिव। सांसद को गुंडा कहना 11 लाख मतदाताओं का अपमान है। यू बी काइंडली विजिट। मिस्टर आनंद मोहन, बिल्कुल मिस्टर आनंद मोहन, मिस्टर आनंद मोहन प्लीज रिज्यूम योर सीट। मिस्टर आनंद मोहन प्लीज रिज्यूम योर सीट। गुंडा कौन है बिहार में? गुंडा अकेले बिहार में बताते रहे और दिल्ली में नहीं बताए। इसका क्या नाम है? आनंद मोहन। अध्यक्ष तो मैं यही कह रहा था कि समय की जो सीमा आपने बांधी है उसका ख्याल करना चाहिए। संसद सदस्यों का इतना ही कहना है कि समय का यदि बंधन रहेगा, हमारे वक्ताओं ने समय का बंधन माना। मेरा यही विनती है कि जो काम आपने वक्ता जो मुहैया किया है लोग उसी के अंतर्गत बात करके ज्यादा अच्छा होगा। बहस खुल के आनी चाहिए समता पार्टी श्रीमान। बहस के कहने से थोड़ा भ्रम निर्माण हुआ है। मैंने पहले ही सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि जॉर्ज जितना समय लेंगे मेरे पार्टी से डिडक्ट किया जाएगा। मैंने यहाँ मैं आपके लेटर मिलने के पहले ऑनरेबल एम्बर, सो द समता पार्टी इज अलॉटेड 6 मिनट्स। चीफ व्हिप फ्रॉम बीजेपी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी दैट दे एनी टाइम दे टेकन बाय श्री जॉर्ज वुड बी फ्रॉम हिज अकाउंट। सो यू कैन जितना समय ये ठोकम ठोकी में जा रहा है वो मेरे खाते में नहीं लगाएगा। अपार्ट फ्रॉम पीएम
अध्यक्ष जी मेरी फिर एक बार कंटिन्यू आई विल कंटिन्यू सर, मगर मेरी इतनी प्रार्थना आपसे कि जितना समय इस तरह से वाद विवाद में जाता है तो वो समय मेहरबानी करके हमारे बोली में नहीं जोड़ा जाए। ये मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इंटरप्शन का टाइम होता है वो कैलकुलेट। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितने वाद विवाद के लिए मौका होता है वो कम करें इस तरफ से हमारे सदन। हम तो आप उधर देखने के बाद हम बोल रहे हैं, जब टोकम टाकी होती है तब हम देखते हैं कि कौन टोक रहा है। प्लीज कैरी ऑन। तो अध्यक्ष मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह से इस घमंड से लोग बोलते हैं कि कतई नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा, तो हम लोग नहीं हुआ है तो तब क्या होता है अध्यक्ष जी कि अपमान होता है वो मतदाताओं का। अब माना गया यहां पर कि हिसाब आंकड़े वगैरह रखकर कि कौन 20 पर है, कौन 30 पर है, कौन 25 पर है, और इस आधार पर कुछ अभी नया राजनीतिक दर्शन भी बनाया जा रहा है कि अगर हर सूबे में एक एक सांसद आवे तो फिर वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो जाए, और अगर चार सूबों से 100 आ जाए तो वो विपक्ष में बैठ जाए। तो नए सिद्धांतों का भी यहां पर अभी कुछ निर्माण करने की बात हो रही है। हमको बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने ये तर्क यहां पर सुना, और ऐसे व्यक्ति से कि जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, जो देश के एक प्रदेश के और बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ने अनेक बार रह चुके हैं, कि सारा तर्क इस आधार पर। खैर, लेकिन जो मतदाताओं का जो अपमान इन चीजों में होता है उसे लोगों ने समझना चाहिए। और मैं आज एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं, ठीक है आज भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ जो भी दल जुड़े हैं ये सभी लोग मिलकर 190 या कुछ आंकड़ा आपने बता दिया यहां पर है, और इस आधार पर उनको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने बुलाकर बड़ी गलत बात की। अगर ये कहना हो और किसी स्थिति में सरकार न बनाने की बात आती हो, कल अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाए या आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई होती तो फिर इस देश का प्रजातंत्र किस दिशा में चलाया जाता, कुछ किस दिशा में उसको चलाने के लिए दिया जाता, ये प्रश्न खड़ा होता है अध्यक्ष जी। क्योंकि बहस जिस दिशा में जा रही है उसमें ये खतरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं हिटलर की बात बहस अगर करनी हम उसको भी करने तैयार है, लेकिन आज का वक्त उसके लिए हम लोग नहीं खराब कर। हाँ, हम उस बहस के लिए तैयार है, हम चाहेंगे कि आपसे विशेषकर इस बारे में बहस हो जाए। तो अध्यक्ष जी, मगर इस बहस में और इस प्रकार के सोच में मुझे वो भी एक बू आ रही है जो आज 5-7 साल के पहले इस देश में जब सरकार एक ही पार्टी के हाथों में रहती थी तब चली आई थी, वो धारा 356। यहां द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम के साथी बैठे हैं, तेलुगु देशम के लोग बैठे हैं, और इन्हें अनुभव है कि कितने बार धारा 356 कितने बार इस्तेमाल हुआ, किन किन कारणों को लेकर इस्तेमाल हुआ, क्या वहां के प्रजातंत्र का हालत बना दिया, ये सब अनुभव हम लोग किए हैं। और मुझे इसमें ये बू आ जाती है कि जो लोग इस प्रकार की बात को आज कहते हैं, कल शायद कहां अगर मौका मिल जाए तो फिर यही दिशा पकड़कर ये लोग आगे जा सकते हैं। यह सदन तय करेगा अध्यक्ष ये प्रस्ताव का क्या होना है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जो 13 पार्टी का जो मोर्चा बना है जिसके नेता हमारे मित्र श्री देवेगौड़ा हैं, इस मोर्चे का कार्यक्रम जब नहीं बना और जब यह बात हमको बताने में आ रही है कि एक मिला जुला कार्यक्रम बनेगा, सभी के मैनिफेस्टो सामने रखे जाएंगे और उसमें जो सभी मैनिफेस्टो में जो भी समान बातें हैं तो वो बातें कार्यक्रम के तौर पर अपनाई जाएंगी। अब अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा समान कार्यक्रम या कौन सा समान विचार इन सब लोगों के मैनिफेस्टो में है। हाँ, नहीं, हाँ, बाद में क्यों, बाद में क्यों, बाद में देख रहा हूं, बाद में अपना सरकार के कार्यक्रम बताइए ना। मेरे पास अध्यक्ष
जनता दल का मैनिफेस्टो है, भारतीय ये सीपीआई का मैनिफेस्टो है और सीपीआईएम का मैनिफेस्टो है और तेलुगु देशम का मैनिफेस्टो है। चार मैनिफेस्टो हम पाए हैं। अभी चारों मैनिफेस्टो को देखने के बाद, तेलुगु देशम का तेलुगु भाषा में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद करवा कर हमने देख लिया। अध्यक्ष जी, समान बात मुझे मोटा मोटी दो दिखाई दे रही है। एक है भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। जनता दल कहता है द कांग्रेस फॉसिलाइज्ड बाय द फैमिली रूल एंड प्रोफ्लिगेसी ऑफ पावर हैज नॉट हैड ईदर डायनामिक लीडरशिप और सेंस ऑफ डायरेक्शन। दोहरी संलग्नता समाप्त हो गया। इनफैक्ट इट्स एंडलेस equivocation on such incandescent issues as social justice and secular order, compounded by its elitist craze for economic liberalization, has only led to further erosion of its base. The Congress, which has been declining steadily, भैंसा को बिठला दो। सिंस 1989 इंटरनेशनल समाजवादी आप कहे जाते थे, कैसे भी। अब अध्यक्ष आप मुझे बचाइए, अध्यक्ष आप मुझे बचाइए। सो यू मस्ट प्रोटेक्ट मी, आई कांट पॉसिबली स्पीक इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट यू मस्ट प्रोटेक्ट मी सर। Please carry on, Mr. The Congress is now historically heading towards final disintegration. The splits and revolts which have recently afflicted it in continual installments are unmistakable indications of this process. Even while the Congress has kept contracting rapidly in terms of political and social ground, its governance during the last 5 years has been pockmarked by numerous scams, such as the security scandal, fraudulent disinvestment of PSU shares, sugar import muddle, deals in railways, power, oil, mines and telecom sectors. The manner in which the Hawala racket was suppressed and sidetracked by the government for over 4 years is a scandal in itself. It is now known that the stable government which the Congress proudly claims to have given to the country was literally purchased, as is evident from the bulging bank accounts of some MPs. फिर आगे जाकर रामविलास पासवान जी आ गए। आप भी रामविलास, आपका भी नाम है इसमें, आपका नहीं रहा। इफ ही इज। अब अध्यक्ष ये है कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो। अंडर द राव रेजिम हेवी ब्लोस वर स्ट्रक एट द सेक्युलर फाउंडेशन ऑफ आवर रिपब्लिक। A sense of alienation and insecurity overtook the minorities, who do not look upon this government as a protector of their life and property. Corruption has reached new qualitative dimensions under the Rao government, with every passing day exposing a new scam, each bigger and more scandalous than the one earlier. Security scam, sugar scam, disinvestment scam, Baila Dila deal, telecom scam, railway gauge scam, Purulia arms drop scandal, the defense scam, and now the Hawala racket have polluted our democratic system and life. Even the country's security has been at stake in some of these scams. Aur phir aage ji adhyaksh ji, the country is no longer safe in Congress hands. Its chances of gaining a majority on its own are non-existent. The Congress is clearly unable and unfit to rule the country any longer. बताइए बाप। मैं एक चीज इसमें नहीं लिखी है, एक चीज इसमें यह नहीं लिखी नहीं है, वो ये है, वो ये है। But now it is fit to support the national. It is not fit to rule anymore, but it is certainly fit to support them. Or fit? No, I have no doubt. Yes, I want to make a distinction just now to help you all. हाँ, बीजेपी का दलाली कीजिए। Corruption, order of the day, ये मार्क्सवादी पार्टी का। These 5 years have been totally unprecedented levels of institutionalized corruption. The hallmark of the Narasimha Rao regime has been the exponential growth of both the number of scams and the amount looted through them. No area was left untouched.
no stone unturned to loot public assets by the criminal ruling party, politician, businessman, bureaucrat nexus. The Congress party is now a political party with no internal democracy and plagued by internecine quarrels. It has turned itself into an organization whose leadership is abandoning all commitment to national cause. Sir, I'm not yielding, sir. Motion of confidence in the BJP government. Congress party, you have always been defunded. Here, you have to join the national party. This is not right. Adhyaksh, this is the last manifesto. After that, I will read some other documents. This is the manifesto of our Telugu Desam party. The Congress party which holds in power has not only failed to increase the standard of living of the common man, but also has failed to provide the basic needs of the masses. Corruption has become a way of life for the Congress leaders. People have lost their faith in the Congress. Unending manipulations have become a habit of the ruling party. The Congress has destroyed the country's economy by following improper policies. Communal tensions, regional insurgencies, and the atrocities against the lowest of the lower rung of the people, namely the scheduled castes and scheduled tribes. These tensions have been incited by the government and is being used for their benefit. This is the state of our country today. Ye Telugu Desam. Sir, at the same time, my manifesto, you are most welcome to at the same time, Telugu Desam categorically said that it's only the coalition government which is the... you are most welcome to read. Coalition government is only the solution. Why should I be wrong on my own? Just look at it. Look at the manifesto. I can't compel him to state what he stated about BJP. अब मैं जिनको कहूं कि वो क्या बोले, ये कैसे हो सकता है? मुझे जो कहना है वो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों को परेशानी हो, मैं इनको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा। आप कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में भी कहिए। नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्री नरसिंह राव जी ने इसको पढ़ा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये चार्जशीट अगेंस्ट पीवी नरसिंह राव, सीपीआई का, निवेश का, ये अप्रैल 21 और 22, 21 और 26, यानी आज मुश्किल से एक महीने का पहले काम, चुनाव अभियान शुरू होने के बाद चार्जशीट अगेंस्ट नरसिंह राव गवर्नमेंट, नरसिंह राव मस्ट गो। Not only the Narasimha Rao government is a corrupt one, but its policies have been anti-people in all spheres. Aur bharpoor isme aarop hai jo main nahi padhna chahta hu. Abhi zabardast piche le lenge. Narasimha Rao, epitome of corruption. Epitome of corruption. Hum main to unse wo to pradhanmantri bhutpurv pradhanmantri ko milne do hari sadasya ka kya hua? क्या आपने, आप नहीं गए अटल से मिलने? तो अध्यक्ष, परेशानी हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूं। अगर वो ये समझते हैं कि मैं उनको हंसाने के लिए पढ़ने वाला, तो हंसाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं केवल इसलिए पढ़ रहा हूं कि कैसे लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सब काय के लिए था, ये देश के लोगों को ये बताने के लिए कि हम उनसे लड़ रहे हैं। मैं मोशन पर ही बोला जा रहा है, यही है मोशन। और क्या है मोशन? यही मोशन है। क्यों ये सरकार बनी रहनी चाहिए, यही मोशन है। ऐसे लोगों के हाथों में सरकार देना नहीं है, यही मोशन है। सेक्युलरिज्म की बात आती है, एक अंग्रेजी शब्द का इतना गलत इस्तेमाल इस देश में हुआ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम बोलेंगे, हम बताएंगे
हम बताएंगे कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है, इसका क्या मापदंड है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी संस्था की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन हम जानना चाहते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं और किन किन को सर्टिफिकेट दी जा सकती है। यहां दस्तावेज है आप ही का पार्टी का, उसको भी पढ़ लो कि सेक्युलरिज्म का, सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ होता है। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज है, सेक्युलरिज्म का अर्थ इसमें है, सेक्युलरिज्म का अर्थ इसमें है। लिखा है व्हाइल द बीजेपी वॉज ट्राइंग टू शेड इट्स जनसंघ, व्हाइल द बीजेपी वॉज ट्राइंग टू शेड इट्स जनसंघ पास्ट, द कांग्रेस आई अंडर इंदिरा गांधी हैड स्टार्टेड फ्लोटिंग विद द हिंदू वोट विच फर्स्ट बिकेम एविडेंट इन द जम्मू इलेक्शन इन 1983। शी वॉज ऑल्सो एकोमोडेटिंग टवर्ड्स द एकात्मता यज्ञ लॉन्च्ड बाय द विश्व हिंदू परिषद, द ऑर्गेनाइजेशन्स फर्स्ट अटेम्प्ट एट मास मोबिलाइजेशन टू प्रमोट हिंदुत्व, द टेंटेटिव मूव्स मेड बाय इंदिरा गांधी बिकेम द सेंट्रल मोटिव ऑफ राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेन when he won an unprecedented mandate by raising the specter of national disintegration at the hands of minority secessionism. The focus was on Sikh extremism in Punjab and the assassination of his mother by her Sikh bodyguards, the killing of thousands of Sikhs in Delhi and other North Indian cities in November that year from the grotesque background to the Congress ICE election campaign. Aur aage jaakar, in the recent years, as Nehruvian ideals have got jettisoned by the Congress completely, the danger of this has increased. For instance, at every stage of the Ram Janmabhoomi agitation, the government of India compromised and helped it along. It was behind the opening of the locks. It allowed the Shilanyas. It allowed the periodic Kar Seva. It stood aside to allow the demolition and finally allowed the rebuilding of a makeshift temple at the site, thus legitimizing the entire movement, including the demolition. Barring the farcical arrests of a handful of leaders and an equally farcical ban on the VHP, the government failed to take any action against those who demolished the mosque or those who went on a killing spree. कि जब ये हल्ला हो रहा है एक तरफा और जब खुद ही माना जाता है, इन्हीं के तरफ से आरोप हो जाता है कांग्रेस के ऊपर, इनके घोषणा पत्र में आरोप है कि वो कम्युनल है, इनके घोषणा पत्र पर आरोप है उन्होंने सेक्युलरिज्म छोड़ा है, इनका हर दस्तावेज इस प्रकार की बातों को कह रहा है, तो फिर ये कौन सा सेक्युलरिज्म के बहस देश में आज सेक्युलर और कम्युनल करके चलाना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी हम अध्यक्ष आपसे आराम कर लीजिए, आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 1946 से लेकर आज तक दो बार गैर कांग्रेसी सरकारें दिल्ली में बनी थी। एक बार मोरारजी भाई के मंत्रिमंडल बना था, तब जनता पार्टी थी, इमरजेंसी से लड़कर सभी लोग एक जगह पर आए थे, और उसके बाद 1989 में अध्यक्ष जी दोबारा एक सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह रहे। पहली सरकार में जनसंघ जनता पार्टी के तौर पर मौजूद था, दूसरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन किया था और मार्क्सवादी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था। ये दो सरकारें छोड़कर पिछले 50 सालों में कुल 4 साल अगर आप हटा देंगे 46 साल कांग्रेस पार्टी सरकार में रही।
इसको ये इनकार नहीं कर सकते। और अगर 50 साल में 46 साल इनकी सरकार रही और आज अगर हिंदुस्तान के अकलियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग असुरक्षता महसूस करते हैं, जिम्मेदारी किसकी है अध्यक्ष जी? अगर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनने से अकलियत के मन में बहुत पीड़ा, बहुत डर, क्या होगा उनका भविष्य, ये प्रश्न अगर आज छेड़े जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं पिछले 50 सालों में से 46 साल किसकी सरकार रही। मैं नालंदा से चुनकर आया हूं अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का बिहार शरीफ नाम का कस्बा है, उस कस्बे में मुसलमान है, 50,000 के लगभग उनका मतदान, उनके वोट है वहां पर, उनमें से आधे है अध्यक्ष जी बुनकर, हाथ खरगे के बुनकर, आधे है बीड़ी मजदूर, पिछले 3-4 सालों से भूखमरी से मर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना उधर किसी प्रकार का रोजगार देने का इंतजामी है, ना उन्होंने पैदा किए हुए चीजों को बेचने की कोई भी इंतजामी है। और अध्यक्ष जी, उन तमाम लोगों ने मुझे वोट दिया, ये नहीं मुझसे पूछा जो सवाल मुझे यहां पर टोका जा रहा है, मुझे नहीं पूछा, मेरे क्षेत्र के मुसलमानों ने रोजी रोटी के सवालों को हमसे पूछा, उनका रोजगार हम कैसे दिला सकेंगे ये बात उन लोगों ने मुझे पूछी, वो बीड़ी मजदूरों ने वो बात पूछी, वो दस्तकारों ने वो बात पूछी, और आज हिंदुस्तान में ये बात को कौन नकार सकता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान को रोजगार नहीं मिलता है, सरकारी दफ्तरों में, निजी दफ्तरों में उन्हें कोई भक्ति नहीं करता, ये आज की बात नहीं है, ये आजादी के दिन से लेकर आज तक की बात है, देश का मुसलमान जिस हालत में रहता है तो उसको आप भी जानते हैं अध्यक्ष जी, हम सब लोग जानते हैं, सदन जानता है, कौन उसको वहां पहुंचा दिया, कौन ये 40 साल उसका रोजगार का नहीं सोचा, उसको दस्तकारी में ढकेल दिया, और आज वो दस्तकारी भी उसकी मिठाई जा रही है आपके नए आर्थिक नीति के चलते, और फिर सेक्युलरिज्म ये नारा देकर वोट पाने तक ये बातों को बना रखकर आप ये समूचा देश का राजनीति को नारोबाजी के ऊपर चलाना चाहोगे? अध्यक्ष, हम इसकी मुखालिफत आज नहीं हमेशा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मुझे आपसे दोहरी सदस्यता समाप्त हो गया, दो मोटी बातें अध्यक्ष और कहनी है और हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। पहली बात मुझे आपसे कहनी है अध्यक्ष जी, ये जो हवाला का मामला है, जिस हवाला के मामले की यहाँ पर खूब चर्चा हो रही है और मैंने देखा कि सबके घोषणा पत्रों में हवाला के मामले की बड़ी खूब चर्चा है, हवाला कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल जो तथ्य है वो तथ्य भी बहुत ही सिलेक्टिव हो जाते हैं, जो हकीकत है उसको भी बहुत सिलेक्टिव ढंग से देखना होता है। लाल कृष्ण अडवाणी हवाला में फंसे, ये बहुत बड़ा विषय बना है कई लोगों के दस्तावेजों का, कई लोगों के और कोई चीजों का, कौन इस बात को इनकार कर सकता है कि इस हवाला में सबसे अधिक पैसे पाए हुए अगर एक जमात हो वो जनता दल की जमात है, आप ही का प्रकाशन है, मेरा नहीं है, जनता दल के मंत्री श्री अरुण नेहरू 35 लाख, जनता दल के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान 7,49,86,000, जनता दल के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल 2 करोड़, जनता दल के अध्यक्ष मिस्टर जॉर्ज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज इट, What is it you are quoting? Sir, I am reading the Hawala case, the CPIM publication. Please. Let me find out. Let me find out what is it. Point of order.
point of order. Sir, what is, sir, when I'm speaking, what is the point of order? Mr. Batmi, he has raised a point of order. You please be seated. He has raised a point of order. Let me know. He has raised a point of order. Let me deal with it first. Whether he is in your party or not, he has raised a point of order. So I wanted to deal with it. Kindly be seated. Mr. George, what is it you are referring to? Sir, I am reading the Hawala case, punish all the guilty, a CPIM publication. Please, kindly be seated. What I'm reading it? A CPIM publication, sir. And this is a printed document in which contains... It is, he is referring to the book published by CPI. The are you prepared to authenticate it? Yes, sir, I will authenticate this. He is prepared to authenticate it. Mr. Chairman, George Fernandez is a very responsible member with total knowledge of the rules and business principles of the House. The names what he is mentioning from a literature or leaflet, I am not in favor or against any of them. I am only reminding you of the procedure. Some members are already present in the House who are supposed to be involved as reported to in the newspaper in the Hawala case. And all matters are in the court custody that doesn't for charge and trial. And it has been reported. Yet to find an answer. Who cannot defend themselves? They can only defend themselves in the court of law and not in the parliament. Is it proper on the part of George Fernandez, who is a seasoned parliamentarian, to attribute motives on their name? I'm not ascribing any motives to anybody, sir. मैं अध्यक्ष ने मैंने ये नहीं कहा है कि मैं इन लोगों को अपराधी मान रहा हूँ. मैंने केवल इतना ही कहा कि जब आप बोलते हो, सबका नाम ले लो, कुछ एक का तरफ अपना उंगली मत दिखाओ. मैं इतना ही आपसे कह रहा हूँ. Since he is authenticating it, he can quote from that. And then next, anybody who is not here and who cannot defend himself, his name should not be referred, and that should be. दिया जा सकता. ये रूलिंग इस सारी कार्रवाई पर दूरगामी परिणाम डालेगा. ये रूल नहीं है. As per our established rules here, whatever is objectionable, that we will deal. Objectionable बात अलग है. मगर बहुत से लोग यहाँ नहीं हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, वो हमारी नीतियाँ प्रभावित करते हैं, वो देश की नीतियाँ बनाने में हिस्सा लेते हैं. उनका नाम लेने में क्या आपत्ति है? हमने तो रोका नहीं. सर, अध्यक्ष, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ. मैं किसी को अपराधी नहीं कह रहा हूँ. देन मैं केवल उसका चेयरमैन था. देन एनी इज अ प्रैक्टिसर, लेट इट बी अ प्रैक्टिस. एनी मैटर व्हिच इज हैंगिंग इन द कोर्ट ऑल शुड बी रिपोर्ट इन द हाउस. इट इज नॉट द प्रैक्टिस. No, if it is pending before the court, normally the convention is that any names, anything which is pending before the court, that is not referred to. I think that also we will delete.
उनका भी सेंटेंस ड्रॉ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विद उन्होंने कहा कहा वोटिंग वोटिंग फ्रॉम एन ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट इज परमिटेड अंडर द रूल्स That is, I have already given a ruling. Yes. Whatever is authenticated, that it. Will. Yes. Others, whatever is pending before the court, that is not referred to. Judicial. That's it. Yes, kindly, Mr. John. Adhyakshi, Ramilas ji ne ek aise mamle ki yahan par charcha ki. जिसकी जिक्र शायद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में की और उन्होंने यहाँ कहा कि जो भी हुआ है बिहार में वो सब बिल्कुल ही दुरुस्त हुआ है उसमें कोई हरकत करने वाली बात नहीं है मेरे हाथ में यहाँ पर हाईकोर्ट का जजमेंट है अध्यक्ष जी और मैं हाईकोर्ट के जजमेंट से दो चार बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ क्योंकि एक बात ऐसी सदन में आज आई है He is in a point of order. Please, he is on a point of order. Please hear it. Please. Let me see. You please leave it to judge me and not you. Kindly. अभी अभी आपने ruling दिया. जो बिहार का स्कैम है फोटो स्कैम है वो मामला भी अदालत में यानी अदालत उसको देख रही है और जजमेंट पर पासवान ने क्या ये मामला भी सब चाहिए तो मैं तैयार हूँ हम तैयार हैं यदि मान लो इस डिबेट में बहुत बढ़ा दे आप तो हम इस बात पर तैयार हैं हर चीज का जवाब देने के लिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं बिल्कुल अध्यक्ष जी बढ़ा दीजिए हम तैयार हैं सब चीज यादव जी वाट एवर इज सब जुडिस व्हिच इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट दैट विल नॉट बी पार्ट पार्ट ऑफ द यू हैव रेफर्ड टू द क्वेश्चन ऑफ सब जुडिस कॉल एंड शक्दर एंड द रूल्स आर वेरी क्लियर अबाउट द मैटर ऑफ सब जुडिस इन क्रिमिनल केसेस ए मैटर इज नॉट सब जुडिस एज फार एज द पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड अंटिल द चार्जेस आर फ्री इन सिविल केसेस द मैटर इज नॉट सब जुडिस अंटिल द इश्यूज आर फ्री In this, in which my friend George Fernandez or what Sharad ji are saying, the question simply because it is in a court of law, the parliament be debarred from discussing it on the grounds it is sub judice. With respect, sir, I submit it is not tenable. Call and Shakhtar is very clear on this. Our rules are very clear on this. A matter is not sub judice. Criminal matter is not sub judice unless charges are framed. Civil matter is not sub judice until issues are framed. Therefore, in this blanket manner, for you to say simply because it is in a court of law, therefore there shall be no reference. With due respect, sir. No, he mentioned sub judice. The second thing, sir. The second thing you are saying, simply because it is a legal case, therefore it should no reference shall be made to it. Please, sir, reflect on it because what you pronounce from the chair will have very deep ramifications. That as members are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said by them in the House. Allegations should not be made by them against a fellow member, minister or any individual or a public body unless the allegations are supported and fortified by strong and adequate proofs to substantiate them in the event of the member being challenged supported. In the House. Supported. I am writing the court of order so we can come to you, please. Let us make a submission. If the matter is related to the court and the member is not present here to defend themselves, that matter cannot be raised here without the strong document that means the strong evidence. Sir, it is clearly Rule 353 said, page number 93. Sir, I'm on a point of order.
सर द रूल ममता बनर्जी जो कोट कर रही है 353 वो मेंबर्स के लिए मेंबर्स ऑफ द हाउस के लिए इररिलेवेंट रूल कोट कर रही है रूल 353 She's quoting an irrelevant rule. किसी पर ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर आरोप लगा रहा है। Sir, I'm only reading a judgment of the High Court. Which is a public document. Which is a public document. Sir, 353. Please, please, order. I think, madam, you have made your point. George has made his point. Yes. Three. Which a judicial decision is pending. No. What the Honorable Member Mr. Jaswant Singh has mentioned here, I don't think it is applicable here because it is clearly stated any matter pending a judicial decision shall not be referred to here. There are also decisions, sir. I don't have the book here. Shakhtar and Kaul has already mentioned because this is giving the sanctity of the judiciary. If every member will refer to something if anything is before the court, and he is also going into the merit of the case. Sir, he is not only referring the case, he is going into the merit of the case. Okay. Sir, I am not taking any allegations against any member, against any outsider, or any matter pending before a court of law. I am reading from a judgment of the High Court. Something that has been decided by the High Court. It's okay, I think the matter is very clear. The Honorable Member is not quoting from a judgment where the case is pending before the court. It is an established, it is a published document that Honorable Member is quoting. I think a member has the right to quote. What is the necessity to quote here? What is the necessity? No. अध्यक्ष जी ने यह बात को यहाँ नहीं ला था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको उठाया था अध्यक्ष जी में यह बात बट मिस्टर जॉर्ज यू हैव फार फार एक्सीडेड द टाइम Sir, most I have hardly spoken. Please verify. Please. I am finishing, sir. Please wind up. I am winding up. Please conclude. I am making only one point. और इसलिए अध्यक्ष जी की ये बात यहाँ पर रामविलास जी ने छेड़ी पासवान जी ने छेड़ी मैं वो जजमेंट की कुछ जुमले यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ I have said so. जस्टिस एस एन झा मैंने कह दिया है ना मैं खुद कह दिया है ना जस्टिस एस एन झा एंड जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय पटना हाई कोर्ट 11 मार्च 1996 का ये जजमेंट है मैं इसके कुछ जुमले पढ़कर सुनाकर अध्यक्ष जी एक आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा व्हाट आई हैव नॉट ये जस्टिस झा ने लिखा जजमेंट है जस्टिस मुखोपाध्याय का कंकरेंस है व्हाट आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इज हाउ एक्सेस एक्सपेंडिचर्स एंड ड्रॉवल्स कुड बी पॉसिबल विदाउट द टैसिट सपोर्ट ऑफ द हाई अप्स एट द सेक्रेटेरिएट एंड गवर्नमेंट लेवल It is usual to find Treasury raising objections in passing bills, whether it is salary bill of the staff, the fee bill of lawyers, or contractors' bill. How then, without a financial sanction and available tax funds, could money be withdrawn?
Point of order, I. Mr. George, please. Please confine to the motion. It is not a no confidence motion against the previous government. It is a confidence motion of the present government. Kindly stick to that. Please conclude. तो मैं हाई अभी मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था लेकिन मैं हाई कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द केस में भी समड अप एज फॉलोस ये सुनना ही नहीं चाहते सुनना नहीं चाह रहे ह्यूज सम्स ऑफ मनी The government has failed to show its bona fide in not stopping the ongoing problems. The state government gave patronage to the officers of the Animal Husbandry Department. I think it's enough. Enough. बिना रूल का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। धन्यवाद।
क्या बात है? Please conclude. Mr. Speaker, this point of order which is being raised is a matter of some importance which will arise probably again and again. Kindly hear us for a few minutes and then make up your mind on this problem. I think it is necessary that you should read with us. Kindly see Rule 353. Yes. This cannot be open. This cannot be open. I have already given a ruling on that. Mr. Law Minister, I have already given my ruling. Let the honorable member conclude his speech, please. Please, please conclude. Kindly conclude. मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया था. बड़े बड़े वकील वहां हाजिर हो गए. 11 मार्च का जजमेंट था. हमने सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जजमेंट को न केवल अपहोल्ड किया बल्कि नीचे तो Sit down first. Please sit down. I have given my ruling. You sit down. Sit down. I am on my legs. Sit down. I am on my legs. Please allow him to conclude. One more minute, please, Mr. George. 1.5 minutes. क्योंकि मैं अभी उनका घोषणा पत्र आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं. आपके घोषणा पत्र में अब मैं मुंह में वही शब्द आ जाते हैं जो आपके मुंह आने लगा था. मैं नेता विरोधी दल जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने अपना घोषणा पत्र के प्रीएम्बल में जो बातें लिखी हैं जरा उन पर फिर एक बार गौर करिए. आपने उसमें लिखा है एन इलेक्शन प्रेजेंट्स अ चॉइस टू द पीपल. The choice to vote a party into government, the choice to vote a candidate to office. What is the choice today? The Congress presents an India with a bright future. The opposition presents an India that will be thrown back to the past. The Congress presents an India which is growing, creating wealth, generating jobs, and providing more incomes. The opposition presents an India which will be stagnant, inward-looking, poor, and likely to become bankrupt. The Congress presents an India which rejoices in its unity and celebrates its diversity. The opposition presents an India that will be inflamed by caste and religious passions. The Congress presents an India that has earned new respect among the countries of the world. The opposition presents an India that will be ignored, ridiculed, and forgotten. The Congress presents an India with a stable government and a vibrant economy. The opposition presents an India with a tottering government and a collapsing economy. मेहरबानी करके ऐसे जमात के साथ मत दीजिए जिसके बारे में आप